हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट के बारे में, राइट। इससे पहले वाले वीडियो में मैं एक क्या बोलते हैं मेल लाइन वेल्डिंग का रिपोर्ट बनाया हूँ, उसमें बना के दिखाया हूँ कहाँ पर किस तरीके से फिलअप करना है। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंगिंग के बारे में। सबसे पहले आप जानिए कि स्ट्रिंगिंग होता क्या है। स्ट्रिंगिंग पाइपलाइन का वो प्रोसेस होता है कि पाइप को एक क्रम वाइज बिछाना या कि आगे तक रखना, और उसके बाद जब हम मेल लाइन वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो फिटअप करते जाना और वेल्डिंग आगे आगे तक ऐसे मूव ऑन करते जाना, उसको हम स्ट्रिंगिंग बोलते हैं। मतलब क्रम वाइज पाइप को रखना, उसको हम स्ट्रिंगिंग कहते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंगिंग को लेके कि स्ट्रिंगिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप स्ट्रिंगिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये ध्यान देना चाहिए कि उसका कोटिंग जो है ना, कोटिंग आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। और सेकंड थिंग कि पाइप में कहीं पे भी कोई डेंट नहीं होना चाहिए, कहीं पाइप डैमेज नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कहीं कभी कभी होता है कि उतारने में या रखने में पिचक जाता है, या बैकों से जगह मान लीजिए कभी बकेट वगैरह लग जाता है तो डेंट आ जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये की जाए कि जितना अच्छी तरीके से लोडिंग और अनलोडिंग हो वो ज़्यादा बढ़िया है। और इससे ये भी दर्शाता है कि हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं क्वालिटी से काम करते हैं, क्वालिटी से चीज़ों को करवा रहे हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में, राइट। और हाँ, दूसरी चीज़ कि और हाँ, ये रिपोर्ट को लेके बात करनी थी कि जो हमारी वेल्डिंग की रिपोर्ट बनती है उससे पहले ही स्ट्रिंगिंग की रिपोर्ट बनाना है, राइट। उससे पहले का डेट क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि अगर 2 तारीख को आपने वेल्डिंग का कोई रिपोर्ट बनाया है तो उसका स्ट्रिंगिंग का रिपोर्ट या फिर 2 तारीख का होना चाहिए या फिर 1 तारीख का। उससे पहले का कभी का हो सकता है, लेकिन वेल्डिंग के रिपोर्ट से आगे का नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना भाई, पहले आप स्ट्रिंगिंग करोगे तब तो वेल्डिंग करोगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि पहले आपने वेल्डिंग किया तब आप स्ट्रिंगिंग करोगे, पहले आप स्ट्रिंगिंग करोगे तब वेल्डिंग करोगे, प्रोसेस ऐसे होता है, राइट। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो वो आपकी रिपोर्ट गलत हो जाएगी, आपको फिर से रिपोर्ट बनानी पड़ जाएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट डिटेल दिया गया रहता है रिपोर्ट में, धामरा टोंगुल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, क्लाइंट है हमारा गेल, कंसल्टेंट है हमारा मैकॉन मतलब PMC, कॉन्ट्रेक्टर हम लोग हैं, फॉर्मेट ये है, ठीक है। डेट हमने आज की डाल दी है 27/7/2022, सेक्शन हमारा 1 है, पहला सेक्शन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर स्ट्रिंगिंग, राइट। तो सीरियल नंबर जितना भी पाइप होता है, देखिए मैंने आपको बताया है कि जितनी भी पाइप आती हैं सब में पाइप नंबर, हीट नंबर, कोटिंग नंबर, लेंथ, थिकनेस और सारी चीज़ें उसमें मेंशन की होती हैं। तो सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना भी होता है, ठीक। आपने पाइप नंबर डाला, हीट नंबर डाला, कोटिंग नंबर डाला, लेंथ डाला, थिकनेस डाल दिया। पाइप नंबर डाला, हीट नंबर, कोटिंग, लेंथ, थिकनेस, और आपने देखा होगा कि 12.090, 12.100, 12.110 मैक्सिमम। इसका जो जितनी पाइपें अभी आ रही हैं, तो जितनी पाइपें अभी आती हैं मतलब मैक्सिमम 12 मीटर की ही पाइप होती है। ये मीटर होता है भाई, ठीक है, 12 मीटर। हाँ, आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि इसका यूनिट क्या है, तो 12 मीटर है। और यह दिया गया है चैनेज, चैनेज मतलब इन द सेंस किलोमीटर, फ्रॉम किस किलोमीटर से किस किलोमीटर तक आपने स्ट्रिंगिंग किया है। और यह है कोरोजन कोटिंग, कोटिंग कौन सा उसमें यूज़ किया गया है, 3LPE मतलब 3 लेयर पॉलीएथिलीन का कोटिंग है। और आपका पाइप देखिए, लाइन पाइप डिटेल्स, पाइप का डिटेल है, API 5L ग्रेड X70, साइज 36 इंच, इसका जो डायमीटर है वो 36 इंच का डायमीटर है, राइट। API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये क्या होता है कि पाइप का ग्रेड होता है, ये पाइप का ग्रेड है, कोरोजन कोटिंग 3LPE। और चैनेज आपका ये है, बाकी हाँ यहाँ पे देख रहे हैं आपका एटमॉस्फेयर, मान लो कि वेदर कैसा होना चाहिए, वो ड्राई मतलब लिख ही दिया जाता है, आप किस भी मौसम में काम कर रहे हैं, ड्राई इन मीटर, जो भी इसका जितना इसका लेंथ है टोटल, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दो कितना पाइप है वो कैलकुलेट कर दो, राइट। और हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि इस पाइप में कोई बैंड है या सैग है या ओवर है तो उसको आप यहाँ कंसर्न कर सकते हो, देख रहे हैं एरिया ऑफ कंसर्न इफ लिखा है, एरिया ऑफ कंसर्न इफ, अगर इसमें से कोई भी पाइप आपका साइड बैंड है या कुछ भी है, जो भी है, ओवर है, सैग है, तो यहाँ पे उसको मेंशन कर दो, उसका एंगल डाल दो कि कितने एंगल का है। अगर वो सैग है तो सैग
क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेफ्ट बैंड है तो वो डालो, हॉरिजॉन्टल राइट है तो मतलब एचएल बैंड है तो वो, एचआर बैंड है तो, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रिंगिंग का रिपोर्ट। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप डायरेक्टली कमेंट में जाओ, स्ट्रिंगिंग से रिलेटेड मुझसे आप पूछ सकते हो, आप कमेंट में डायरेक्टली लिखो, आपको आंसर किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों को जेन्युइन चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ, हमारा कंटेंट जेन्युइन है, ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करो। और हाँ, ये QC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंजीनियर है जो काम करना चाहता है QC में, जो फ्रेशर है या कि जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो ऑयल एंड गैस में आना चाहते हैं, तो हाँ बढ़िया ऑर्गनाइजेशन, बढ़िया चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया ऑर्गनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं पाइपलाइन में, और इसका फ्यूचर अच्छा है, खास करके इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, राइट। और आगे भी मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए ऐसे ही रिपोर्ट की वीडियोस लाता रहूँगा। अब आपको किस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, किस चीज़ का रिपोर्ट बनाना है, आप डायरेक्टली कमेंट में जाओ बताओ। और चलो ऐसे ही प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।